brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. जहाँ तक लोकप्रियता का सवाल है तो इस बार पप्पू यादव जी का पलड़ा भारी लग रहा है, समीकरण जैसा दिखने में लग रहा है। इस वक्त हम पूर्णिया शहर के कुछ जाने माने पत्रकार से आपको बताने जाएंगे, पूर्णिया लोकसभा सीट पर चर्चा करेंगे। ये पूर्णिया लोकसभा सीट का क्या समीकरण है, चुनावी समीकरण? देखिए, पूर्णिया का वर्तमान चुनाव में तो कुछ जटिलता नज़र आ रही है। ऐसे दो टर्म से संतोष कुशवाहा जो बीजेपी और जदयू समर्थित उम्मीदवार थे, वो लगातार दो बार से चुनाव जीत रहे थे, लेकिन इस बार जो है बीमा भारती खड़ा हुई है आरजेडी से। और जैसा कि यहाँ के जो लोकप्रिय उम्मीदवार रहे हैं शुरू से, कर्मभूमि जिनका रहा है पप्पू यादव जी, तो उनको भी कांग्रेस से टिकट देने की बात चल रही थी और आरजेडी से भी मिलने की बात हो रही थी, लेकिन इन लास्ट टाइम में जो है दोनों पार्टियों ने हाथ खड़े कर लिए। और अभी पप्पू यादव जी के साथ भी काफ़ी दुरूह स्थिति पैदा हो गई है, वो क्या करें। और संभवतः वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े होने वाले हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि अपना अधिकार सबको लेना है। और जहाँ तक लोकप्रियता का सवाल है तो इस बार पप्पू यादव जी का पलड़ा भारी लग रहा है, समीकरण जैसा दिखने में लग रहा है। एक तरफ संतोष कुशवाहा जी बीजेपी और जदयू समर्थित होने के नाते और मोदी जी की भी लोकप्रियता के कारण उनका भी स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन सबसे आगे अभी पप्पू यादव जी चल रहे हैं पूर्णिया में। देखिए, पूर्णिया का जो चुनावी समीकरण है वो कहीं ना कहीं अब त्रिकोणीय मुकाबला होने की जो है बातें सामने आ रही है। और ये त्रिकोणीय मुकाबला अगर हम पीछे की ओर जाए तो 20-25 साल का जो राजनीतिक इतिहास पूर्णिया का रहा है, अगले 20 साल पहले जो है दो टर्म जो है पप्पू सिंह जी जो है बीजेपी का जो है प्रतिनिधित्व किया था, उसके बाद दो बार से जो है पूर्णिया के जो निवर्तमान सांसद हैं संतोष कुशवाहा जी वो प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। अभी वो जदयू से जो है नॉमिनेशन पत्र दाखिल भी किया है और बीमा भारती जो है आरजेडी से नॉमिनेशन पत्र दाखिल किया है। अब रही बात की से जो है तीसरा व्यक्ति जो कहा जा सकता है कि सीमांचल का जो है कदावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं पप्पू यादव जी, तो वो भी जो है कहीं ना कहीं जो है 2 तारीख को, जैसा सुनने में आ रहा है कि 2 तारीख को जो नॉमिनेशन पर्चा दाखिल करेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पूर्णिया का जो चुनावी समीकरण है वो त्रिकोणीय मुकाबला होना है, और ये तय भी है कि ये तीनों व्यक्ति जो है अपने दमखम के साथ जो है चुनावी मैदान में आएंगे। बीमा भारती रुपौली से जो है विधायक भी रही हैं, पूर्व मंत्री भी रही हैं, तो देखा जा सकता है कि टस तो होगा, तीनों में जो है ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है। जो वर्तमान का जो सांसद है संतोष कुशवाहा वो अपने कामों को गिनाएंगे, पप्पू जी जो हैं वो सीमांचल के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, वो भी जो है अपने जो है 5 टर्म के जो है वो सांसद भी रहे हैं, पूर्णिया से 3 बार रहे हैं, 2 बार और भी जगह से रहे हैं, मधेपुरा से सांसद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके कामों को भी जो है पूर्णिया की जनता ने देखा है, उनके कामों के देखते हुए भी जो है उनको वोट किया करेंगे ही। और बीमा भारती जो है पूर्व से मंत्री भी रही हैं, और ख़ास करके अगर संतोष कुशवाहा की बात की जाए तो वो 2 टर्म से जो है पूर्णिया के सांसद रहे हैं, वो भी अपने कामों को दिखाएंगे। तो अब जनता भी तय कर देख रही है कि किसको इस बार जो है पूर्णिया का जो है चुनावी समीकरण में जो है किनको वोट करेंगे। अभी संशय की स्थिति है, बरकरार है, क्योंकि यहाँ जो प्रत्याशियों का चेहरा अभी साफ नहीं हो पाया है। निजाम जो चल रहा है, पप्पू यादव का भी दावा है 2 को नामांकन करेंगे, उनको कांग्रेस का सिंबल मिलता है या नहीं मिलता है, वो कह रहा है हम कांग्रेस के ही सिंबल पर फ्रेंडली फाइट करेंगे। उसके बाद बीमा भारती मैदान में है और संतोष कुशवाहा एनडीए के हैं, पप्पू सिंह के बारे में भी चल रहा है जो भी मैदान में आ सकते हैं। इसलिए जब चारों प्रत्याशी मैदान में आने के बाद ही यहाँ के तो कयास जो है कयास छट सकता है। अब इसमें कौन रहता है कौन नहीं रहता, वर्तमान स्थिति में ये तीनों जब आ जाता है तो
एनडीए और महागठबंधन प्रत्याशी के बीच में ही मुख्य मुकाबला हो सकता है, लेकिन अब उसमें पप्पू सिंह भी मैदान में कूदते हैं तो नहीं कूदने से और पप्पू यादव का क्या स्थिति होता है वो तो बोल रहे हैं अभी, वो भी मैदान में अगर आ जाते हैं तब समीकरण बदलेगा यहाँ, इसीलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। सभी प्रत्याशी के मैदान में आने के बाद ही स्पष्ट तस्वीर पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का सामने आएगा। मिथिलेश कुमार सिंह, संपादक सीमांचल उदय। देखिए अभी तो नॉमिनेशन हो रहा है, अभी नॉमिनेशन होगा, स्क्रूटनी होगा, नाम वापसी होगा, इसको तो तय कराएगा, जनता तय करेगी ना, और जनता तय करेगी कि हम महागठबंधन जो हमारा जदयू भाजपा हम का जो अलायंस है, मेरे प्रत्याशी जीतेगा, संतोष कुशवाहा जी फिर दोबारा एमपी बनेंगे। देखिए यहाँ का चुनावी समीकरण तो उम्मीदवारों का फेस चेहरा सामने आने के बाद पता चलेगा, लेकिन इस चुनाव को इस बार इस सीमांचल में खासकर पूर्णिया में जो लड़ा जा रहा है उसमें मुख्य रूप से एनडीए माने मोदी जी को लाना है या मोदी जी को गद्दी से उतारना है, इसी दो बात पर इस पूर्णिया में या पूर्णिया के साथ पूरे सीमांचल से इसी दो बात पर वोटिंग होगी। एक पक्ष पूरा लगा हुआ है कि चेहरा जो भी हो हमको मोदी को गद्दी से उतार देना है, दूसरा पक्ष है कि अब की बार 400 पार माने पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा बहुमत से मोदी जी को स्थापित करना है। इस दो धुरी की लड़ाई इस सीमांचल में चलेगी, वह स्थिति पूर्णिया में भी बरकरार है। अब अगले सप्ताह हम लोगों को स्पष्ट छवि नज़र आएगा, वैसे ये पूरा सीमांचल एनडीए विरोधी मिजाज का रहा है प्रारंभ से ही, और इस बार के चुनाव में आगे देखना है, एक सप्ताह बाद समझ लीजिए कि बढ़िया से इस संबंध में जो है पिक्चर सामने आ जाएगा कि कौन आगे होंगे और कौन पीछे रहेंगे। पूर्णिया लोकसभा सीट अभी तक हम लोगों के नज़र में सिटिंग जदयू प्रत्याशी जो है एनडीए गठबंधन वाला संतोष कुशवाहा, अभी तक वो हम लोगों के नज़र में अभी तक सही है, मने नज़र आ रहा है कि उसके तरफ जनता का झुकाव है।